तो सिरसा में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश से एक तरफ लोगों को राहत मिली है तो वहीं दूसरी तरफ वाहनों के लिए परेशानी भी खड़ी हो गई है, लेकिन इस बारिश ने किसानों को फायदा जरूर पहुंचाया है। पिछले काफी दिनों से सिरसा में धूल छाई हुई थी, जिसके चलते सिरसा के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। वहीं अब बरसात ने लोगों की इस समस्या को समाप्त कर दिया है। फसल के लिए फायदेमंद है ये बारिश। किसानों को कई दिन से इंतजार था इसका। बारिश होगी, फसलें बहुत बढ़िया चलेंगी। फसलों पर धूल जम रही थी, वो भी हट गई। सबसे ज्यादा फायदा जो है किसानों को हुआ है। जो ये धान की फसल चल रही है, इसके लिए लोग पानी के लिए तरस रहे थे। और जो बरसाती पानी है, ये बहुत अहमियत रखता है। जो बरसात का पानी है, आजकल ट्यूबवेलों के पानी तो खराब हो चुके हैं। ये बरसात किसानों के लिए भी वरदान साबित हुई है। कृषि विभाग का कहना है कि इस बरसात से हर तरह की फसलों को फायदा होगा। जिन फसलों को ज्यादा पानी की जरूरत थी, उन जगहों पर भी पानी पहुंच गया है। वहीं कृषि विभाग के उपनिदेशक बाबूलाल का कहना है कि कृषि के लिए वैसे वर्षा का जल हमेशा ही सबसे बेहतर होता है। और जहाँ सोइंग नहीं हुई थी, जैसे गुआर और बाजरा की बात करें, तो रेन फेड एरिया है जहाँ पानी नहीं है, तो वहाँ गुआर और बाजरा की बिजाई टाइमली हो जाएगी। अगर बारिश ऐसे ही सही समय पर होती रही तो किसानों की फसल कभी बर्बाद नहीं होगी। सिरसा से सतनाम सिंह की रिपोर्ट।